दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पाकिस्तान में 8 साल के एक नाबालिग गैर मुस्लिम बच्चे को इस निंदा के आरोप में आरोपित बना करके उसे जेल भेजा जा रहा है। और आप ये बात समझ जाइए, समझ लीजिए कि ईश निंदा के अपराध की सजा मृत्यु दंड है। और यहां पर यह कहा गया है कि 8 साल के इस गैर इस्लामिक बच्चे ने इंटेंशनली क्या ईश निंदा की है, उसने मदरसे के कारपेट पर सूसू कर दिया है। 8 साल का बच्चा जो ये तक नहीं जानता कि कहां पर खड़े होकर के सुसु करना चाहिए पब्लिक में और कहां पर नहीं, किसी डर की वजह से उसका पेशाब निकला है या फिर उसको मारने के लिए ही उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, जैसा कि पाकिस्तान पहले से ही इस तरीके के करतूतों में शामिल रहा है, उस बात के खुलासे किए बगैर ही 8 साल के बच्चे के ऊपर आपराधिक केस चलाने के लिए अदालतें भी राजी हो गई हैं। अब ऐसे अंधे कानून की तरफ ही बढ़ता हुआ हमारा देश, उसी इस्लामीकरण की तरफ बढ़ता हुआ हमारा देश शनै शनै इसी गर्त में गिरने जा रहा है। और जो लोग सही समय पर इनिशिएटिव नहीं लेते और इनिशिएटिव लेने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करते, वो भी अपनी आने वाली नस्लों को इसी तरीके के अपराधों में और उनके चंगुल में फंसता हुआ अपनी आंखों से ही देखने वाले हैं। आप जरा सोच सकते हैं कि 8 साल के बच्चे को इंटेंशनली वहां पर ईश निंदा करने के लिए कोर्ट अनुमति देता है। ये वही कौम है जिसका पथ प्रदर्शक कहें या प्रॉफेट कहें, जिसको 6 साल की नन्ही जान छोटी सी बच्ची में भी एक बीवी दिखती है, उसको देखकर भी उसकी कामुकता के सारे बांध सारे घोड़े खुल जाते हैं। वही 8 साल के बच्चे में इतनी मैच्योरिटी देख सकता है। ये वही कौम है जो कश्मीर में पत्थर उठाने सैनिकों को मारने और देश को बम से उड़ाने की योजना बनाने वाले लोगों को भटके हुए नौजवान कहता है। ये वही कौम है जो किसी भी देश के अंदर वहां पर अपनी कौम के अलावा दूसरे लोगों को जिंदा देखना ही नहीं चाहता है। ये वही कौम है जो आज कल फैब्रिकेट कर रहा है एक ऐसे अपराधी को भी जिसने कि सीधे दिल्ली के दंगों में भूमिका निभाई और पुलिस वालों तक के ऊपर बंदूक तानी, 9 राउंड गोलियां चलाई। उस व्यक्ति तक को भी सोशल मीडिया पर यदि महिमामंडित करने का कार्य किया जाता है, वो भी उन पोर्टल्स के द्वारा जो कि ओसामा तक को भी महापुरुष घोषित कर चुके हैं और उनकी जुगत अभी भी है कि विश्व की अगर एक करेंसी हो तो उस पर फोटो यदि किसी का छपे तो वो ओसामा होना चाहिए, वही लोग भारतवर्ष में एक अलग और नया नैरेटिव चला रहे हैं। और ये नैरेटिव चलाएं भी क्यों ना, हिंदुओं के मुंह की बवासीर और वैचारिक शीघ्र पतन इसका असली उत्तरदायी है। कुछ लोग खड़े होकर के चिल्लाने लग जाते हैं कि जब मूली काटी जाएगी, जब गाजर काटी जाएगी, जब सुअर काटा जाएगा तो वो फला फला चिल्लाएगा। वहां एक ऐसे पवित्र नाम जिसके जाप मात्र से भी लोगों के पाप धुल जाते हैं, ऐसा हिंदुओं के खुद के ग्रंथों में कहा गया है, उनका नाम उन मलेच्छों के साथ में लिया जाना, ये खुद हिंदुओं की अपनी घटिया और गिरी हुई मानसिकता दर्शाता है। जिस जुबान से जिस समय पर तुम उन मलेच्छों का नाम ले रहे हो जिन्होंने की हमारे मंदिरों को गंदा ही नहीं किया, ध्वस्त किया, उन बहन बेटियों को उठाया जिनकी उम्र 6 साल थी, 3 साल थी, 2 साल थी, जिन्होंने अपने सेक्रेड प्लेसेस से जहां पर वो 5 बार अपने पूज्य का नाम लेकर के चीखते और चिल्लाते हैं, उन्हीं लाउड स्पीकर से कहा कि उठा लो इन काफिरों की बहन और बेटियों को। दोस्तों, अगर हम सब लोग भी उन्हीं लोगों का नाम अपने इष्ट अपने प्रभु के साथ में लेने लग जाएंगे तो भला इससे बड़ी गंदगी और क्या हो सकती है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर, एक ऐसे व्यक्ति के एफआईआर लिखवाने पर, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के शिकायत दर्ज करवाने पर मुख्य संयोजक लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसकी वजह से घुसपैठियों को अवैध तरीके से दिल्ली के अंदर बसाया गया, जिसकी वजह से आज भी दिल्ली के अंदर वैमनस्य फैला हुआ है और जो आज भी हिंदुओं के खिलाफ
अपनी जहर अपनी आग उगलने से बाज नहीं आता, ऐसे व्यक्ति के शिकायत करने पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो चाहते हैं कि सबको समान नागरिकता मिले। अगर देश के अंदर कहीं पर भी लव जिहाद होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। यदि वो चाहते हैं कि समान शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर जो केवल और केवल देश को तोड़ने और अपनी कौम को एकत्रित करके अपने पैगंबर के बताए हुए रास्ते गजवाए हिंद पर चल करके इस देश को फतेह करना चाहते हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो कौम एकजुट है और तुम्हारी फटती है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो तुम्हें टेबल के नीचे से और बेड के ऊपर से खुश करके रखते हैं, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी जेबें गर्म करके रखते हैं इसलिए तुमने FIR कर दी, और केवल उन लोगों के कहने पर मुख्य संयोजकों के ऊपर आपने FIR कर दी और उनको हिरासत में ले लिया जिनको कोई जानता तक नहीं। अगर चार लौंडे लफाड़ों की मुंह की बवासीर उनसे रुक नहीं रही और वो खून उगलना शुरू कर देते हैं तो मुख्य आयोजकों को अगर यहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है तो जो खालिस्तान के जिंदाबाद नारे लगाते हैं, जो पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने एक साल लगभग से इस देश को इस दिल्ली को बंधक बना रखा है, उनके मुख्य आयोजनकर्ताओं को आज तक आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, उनको आज तक आपकी औकात क्यों नहीं बनी कि उनको थाने में बिठा लिया जाए, जिन्होंने लाल किले को कलंकित किया, जिन्होंने पुलिस वालों को खूब मारा, जिन्होंने कुछ लोगों को दिल्ली के दंगे में जिन पुलिस वालों तक को जान से मार दिया, उनके मुख्य आयोजनकर्ता आज भी बाहर क्यों हैं? इसका कारण क्या है? क्या आपकी फटती है उनसे, या फिर आप ये जानते हैं, ये सोचते हैं, समझते हैं कि हमारे आकाओं का वोट बैंक इन लोगों को गिरफ्तार करने की वजह से बिगड़ जाएगा? क्या आपको ये लगता है कि हमारी जेबें ठंडी हो जाएंगी? क्या आपको अपनी सेजें ना सजने का डर है? सिर्फ इसलिए पाकिस्तान में 8 साल के बच्चे को जो कि एक गैर मुसलमान है, इसलिए केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो गैर मुसलमान है, साजिश करके उसको जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है और उसको जान से भी मारा जा सकता है, और केवल इसलिए क्योंकि उसने कारपेट पर मूत दिया जो कि तथा कथित आरोप है। और ये पाकिस्तान कहां से आया है? ये यही इन्हीं विधायकों के अब्बुओं और मौसाओं और फूफाओं का बसाया हुआ पाकिस्तान है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी डिमांड इन्हीं भारतीय मुसलमानों के पूर्वजों ने की थी। ये वही पाकिस्तान है जहां पर ये लोग तो जा ही नहीं पाए, असली लोग जिन्होंने इसकी डिमांड की थी वो लोग यहां पर रुके, इस भारतवर्ष को दोबारा से तोड़ने के लिए फिर से साजिशें करते रहे, इसके खिलाफ फिर से अपनी मोर्चाबंदी करते रहे, इसके खिलाफ फिर से अपने आतंकवादी खड़े करते रहे। वो फिर से यहां अंकित शर्मा हो या रिंकू शर्मा हो या ध्रुव त्यागी हो या फिर डासना के महंत हो, इन सब पर हमले करते और करवाते रहे, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि इस हेट के खिलाफ भी एक आंदोलन होना चाहिए। दासना में चोर आसिफ को थप्पड़ क्या पड़े, सारा का सारा महकमा और सारी सरकारें और पूरी कौम 56 देश हिल गए, सबने मुहिम चलाई और इस चोर को बचाने के लिए ढोंगरेस के नेता लोग भी वहां पर पहुंच गए। जालीदार टोपी ना मिली तो जालीदार पट्टी ही उसके सिर पर लपेट दी गई। लेकिन आज डासना में एक महंत को चाकुओं से गोद दिया गया, उसका पूरा पूरा शरीर लहूलिहान कर दिया गया, उसके सहयोगी को भी स्टैब कर दिया गया, महंत को मारने की साजिश से घुसे हुए लोग वहां से भाग गए, लेकिन कहीं पर आपको मीडिया सोशल मीडिया में ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है? कारण ये है कि मोमीन को थप्पड़ पड़ा क्योंकि वो चोरी कर रहा था, क्योंकि वो वहां अंदर पेशाब कर रहा था, इसलिए अल्पसंख्यक और दुनिया में 180 करोड़ की आबादी वाली इस कौम में आग उबल जाती है, 56 देशों में आग उगल जाती है, लेकिन एक देश भारतवर्ष में भी निर्वासित और दोयम दर्जे की औकात रखने वाले लोगों के नेताओं मंत्रियों या फिर महंतों पर भी अगर हमला हो जाता है तो वो चूं तक नहीं कर सकते, उन वो सांस तक नहीं निकाल सकते,
क्योंकि उनकी औकात ही कुछ नहीं है। 5 कानून, इसमें किसका हित है? क्या इसमें देश का हित नहीं? क्या इसमें मानवता का हित नहीं? क्या इसमें न्याय का हित नहीं? या इसमें संविधान का हित नहीं? या इसमें बच्चों का हित नहीं? क्या इसमें बहन बेटियों का हित नहीं? क्या इसमें विद्यार्थियों का हित नहीं? क्या इसमें सभी उन नेताओं का हित नहीं जो वास्तव में देश का हित चाहते हैं? क्या इससे किसी भी प्रकार से देश की छवि बर्बाद हो सकती है, बदनाम हो सकती है? क्या इन 5 मांग में कहीं पर भी इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है? कहीं पर भी नहीं। और ये बहुत अच्छे कानून हैं, इनकी अनुमति मिलनी ही चाहिए थी। जब जबरदस्ती आपसे छीन करके 3 महीने 1 और 8 महीने 9 महीने 1 रोड ब्लॉक कर सकता है, तो कहीं पर खड़े होकर 2 घंटे की अनुमति नहीं मिल सकती। और जहां पर कोई व्यक्ति जो वैचारिक शीघ्र पतन का शिकार है, उसको गिरफ्तार न करके मुख्य आयोजकों को परेशान करना, ये कहां की समझदारी और कहां का न्याय है? यहां पर वर्दी ये दिखाना और बताना चाहती है कि तुम जिस अंग्रेजी कानून को जलाने के लिए यहां पर आए और जिनको बदलवाने की तुम बात करते हो, उसी की यह ताकत है कि आज तुमको हमने घुटनों पर टिका दिया। उसी की यह ताकत है जिसने आकर के तुम्हारे लोगों को तितर बितर कर दिया। और उसी की ताकत है कि बाहर बैठे ऐसे व्यक्ति जो कि अपराधों में संलिप्त है, उसके कहने पर ही हम FIR भी दर्ज करेंगे और उसके कहने पर ही हम सारे के सारी गिरफ्तारियां और हिरासतें भी गम करेंगे। ये मेरे देश का कानून है जिसको बदलने के लिए ये मुहिम चलाई गई। आप लोगों का क्या कहना है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और गूगल फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि सदस्यता का लेना आपके लिए, हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि भारत बचाओ अभियान ही नहीं, ये अस्तित्व बचाओ अभियान है, ये गीता के प्रशिक्षण का अभियान है, ये हम आप सब लोगों के प्रशिक्षण का ही समय है। आप भी मुझे बताइए जरा नीचे कमेंट करके कि हम लोग अगर मुंह भी खोले तो हो जाते हैं क्यों बदनाम, और वो हमारे लोगों को, महंतों को और संतों को चीर कर भी चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो चर्चा क्यों नहीं होता? अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।